waiting for the class, and आज today is net is little slow. This is why I'm trying to join you. And मैंने जो I have started my effort at 5:45 पाँच मिनट पहले ही मैंने शुरू कर दिया था काम अपना, लेकिन आज नेट थोड़ा स्लो जा रहा है. चले anyway, हम अपना काम को शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो सबसे पहले तो हम यहाँ से काम का आगाज़ करते हैं कि हम HR की थोड़ी बेसिक्स लास्ट टाइम डिस्कस कर गए थे, और उसमें हम सारी बात जो है डिस्कस कर गए थे, इनिशियल कॉन्सेप्ट समझ लिए थे. काफ़ी टाइम कॉस्टिंग हो गया था, लेकिन अब हम थ्रूली जा रहे हैं अपने टॉपिक टू टॉपिक. अच्छा, अब हम शुरू करते हैं इसको. सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं और कहाँ पर हमें जाना है. वो कहते हैं ना कि अगर इंसान को मंजिल का अंदाज़ा हो जाए एक तो हमें इस एतबार से ये बात डिस्कस करनी थी कि हमने कहाँ से काम शुरू किया था. तो आज जो है सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कि देखिए HR के हवाले से ये इंट्रोडक्शन पे काफ़ी टाइम मैंने लगाया है कि HRM क्या है, और आप सब बच्चों ने देखा कि हमने इसको बड़ी तफसील से डिस्कस किया है. दो तीन दिन लगाए हैं. HR फंक्शंस क्या हैं, एक मैनेजर की HR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं. तो ये हमारे कोर्स कॉन्टेंट्स हैं जो कि ICMAP की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, जिसके अंदर अब हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरीज को डिस्कस करना है, एम्प्लॉय मोटिवेशन को डिस्कस करना है, इसके हवाले से रिन्यूमरेशन को डिस्कस करना है, और ये चीज़ें जो है जेरे पास आएंगी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट को डिस्कस करना है. तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि आसान काम को पहले करते हैं कि सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से थीरीज पे बात कर लेते हैं, और उसके साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से डिफरेंट वर्किंग इन्वायरमेंट्स के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं. तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं. तो मैं इसके लिए सबसे पहले आपके साथ दूसरी स्लाइड शेयर करता हूँ. एक मिनट के लिए मैं अपनी स्लाइड से ऐसे ये वाली हटा रहा हूँ जिससे मैंने आपको कोर्स के टॉपिक डिस्कस किए. जी, तो ये आगे स्लाइड्स नाम आपके सामने जिन पर मैं बात कर रहा था आपके साथ कि देखिए आज का जो काम है इसको आप ह्यूमन रिसोर्स सीरीज के हवाले से बात करनी शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले तो बिहेवियर स्टडीज़ में आपने
परसेप्शन का कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा होगा, ये परसेप्शन क्या चीज़ है। देखिए एक चीज़ तो ये है कि इंसान अपने इर्द गिर्द के हालात से हमेशा जो है वो आइडिया लेता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, यानी व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड मी। कहते हैं कि इंसान की 6 सेंसेस होती हैं, जैसे देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, स्मेल करना। तो इसके साथ इंसान जो है अपने इर्द गिर्द के हालात को देखता है और उससे देखता है कि मेरे अराउंड क्या चल रहा है, हम इसको परसेप्शन कहते हैं। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको यूँ दे सकता हूँ कि जैसे आप यूँ समझिए कि आप अपने दोस्तों में बैठे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों में बैठे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि दोस्त जो है आपकी फर्स्ट सैलरी अभी आपको मिली है और कान में कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो आमतौर पर आपको बताते हैं लेकिन आज नहीं बता रहे। तो फौरी तौर पर आप कुछ फैक्टर्स को इकट्ठा करते हैं कि आज मेरी फर्स्ट सैलरी है और मिली है मुझे, इनको भी पता है, और ऊपर से कान में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं जो मुझे नहीं बता रहे क्या बात है। तो यकीनी तौर पे ये किसी पार्टी का प्लान कर रहे हैं कि मेरे ऊपर ये कोई पार्टी वार्टी का मुद्दा डालने वाले हैं। तो आप सेंस कर लेते हैं, देखकर, महसूस करके, हालात का अंदाज़ा कर लेते हैं। इसे परसेप्शन को हम कहते हैं द प्रोसेस बाय विच पीपल ट्रांसलेट सेंसरी इंप्रेशन इनटू कोहेरेंट एंड यूनिफाइड व्यू ऑफ द वर्ल्ड अराउंड। के लोग जो है वो कोहेरेंट वे में अपने सेंसरी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द के हालात को समझते हुए जो मालूमात है उसको इंटरप्रेट कर देते हैं मीनिंगफुल वे में। हम इसे परसेप्शन का नाम देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हमें इस बात की समझ आ गई कि परसेप्शन है क्या। तो हम कहते हैं परसेप्शन, हम इर्द गिर्द के हालात से क्लूज इकट्ठे करते हैं और क्लूज इकट्ठे करके एक पिक्चर बना लेते हैं जिसको हम परसेप्शन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप स्टूडेंट से ये पूछूंगा कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय परसेप्शन। जी, तो मेरे साथ इस वक्त जो है पार्टिसिपेंट्स में स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमजा है, किरण है, मोहम्मद हसीब है, नुमान है, रुतबा है, उस्मान है। तो मैं इन सबसे पूछता हूँ कि क्या आपको ये समझ आई कि व्हाट इज मेंट बाय परसेप्शन। अच्छा, तो मोस्टली स्टूडेंट की ओपिनियन ये है कि दे गॉट इट। एक मिनट रुतबा का भी जवाब आया मुझे, ठीक है। तो व्हाट इज मेंट बाय परसेप्शन, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये चाहता था कि आपको ये समझ आए कि परसेप्शन से हम क्या मीनिंग लेते हैं। अब रही बात ये कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि व्हाट इज मेंट बाय, यू कैन से हम यहाँ पे देखना ये चाहते हैं कि एक साथ वाली डिवाइस को भी ठीक कर लो ताकि हम सब एक ही ट्रैक पे चलें। तो लेट मी सी। अच्छा, अब हम बात ये कह रहे थे कि परसेप्शन जो है वो इंसान परसीव करता है हालात से और उसके लिए 5 सेंसेस इस्तेमाल करता है, देखना, सूंघना, टच करना, टेस्ट करना, स्मेल करना। एचआर में इन बिहेवियर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जैसे एक परसेप्शन और एक एटीट्यूड, जो कि एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ, मैनेजर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते वक्त इन चीज़ों को खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक परसेप्शन को और दूसरे एटीट्यूड को। अब जहाँ तक सवाल है, अगर हम ये बात करते हैं कि इंसान जब परसीव करता है तो सिर्फ यही फैक्टर काम नहीं करते, यानी देखना, सुनना, टच करना, कुछ पहले से भी इंसान की मामलात होते हैं जिसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे सबसे पहली बात, इंसान इससे पहले किन तरह के तजुर्बात से गुजर चुका है, एक्सपीरियंस किस तरह का हो चुका है। पिछली जॉब में जब मिली थी तब भी दोस्तों ने पार्टी मांगी थी, तो मेरा ये तजर्बा है कि ये भी पार्टी मांग रहे होंगे। दूसरा, मुझे अपने दोस्तों से तौकात भी यही है कि फटीके डालते रहते हैं, तो लिहाजा ये भी मेरा परसेप्शन हो गया। तीसरी, मेरा बिलीफ ये है कि दोस्तों का ग्रो इंजॉय करने के लिए होता है, खाने पिलाने, गपशप करने के लिए, लिहाजा मुझे यही परसीव होगा। और तीसरा, मेरी ज़ाती दिलचस्पी भी खाने पीने में कुछ ज़्यादा ही है, लिहाजा मुझे यही नज़र आएगा। और इसमें मोटिव ये है कि मैं आज एक पार्टी दे रहा हूँ, अगर ये 5 दोस्त हैं, 5 पार्टियाँ तैयार हैं। तो आप ये कह सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हम पहले से जो है वो तजुर्बात, मुशाहदात, वो भी इसके अंदर रोल प्ले करते हैं कि मेरा मोटिव ये है कि मज़ीद पार्टियाँ हों, मेरी दिलचस्पी खाने पीने में ज़्यादा है, इसलिए मुझे लगता है ये पार्टी ही मांगेंगे। मेरा तजर्बा यही है कि दोस्त आमतौर पर जॉब मिलने पे जो है वो पार्टी ही मांगते हैं, और मेरी तौकात भी यही है, एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं कि
जो दोस्त अहबाब हैं वो आम तौर पर फटीके डालते रहते हैं, और दीज आर वट आई बिलीव इन दैट। सो दैट इज़ वाई मुझे यही चीज़ महसूस हुई। हो सकता है किसी दूसरे को कुछ मुख्तलिफ महसूस हो, इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि एक ही चीज़ एक बंदे को 6 लग रही है और दूसरे को 9 लग रही है, क्योंकि ये एक परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। और परसेप्शन हमेशा हर इंसान का दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। आप एक फिगर को देख रहे हैं, एक नंबर को देख रहे हैं, आपको वो 6 लग रहा है, और दूसरा जब देख रहा है तो उसे वो जो है वो 9 लग रहा है। लिहाजा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ तक हमने इसकी बात कर ली। अब देखिए, परसेप्शन यकायक नहीं बनता। लोग कहते हैं कि परसेप्शन में, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं परसेप्शन के बनने में 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर एक स्टेज है सिलेक्शन की। इसके अंदर इंसान सेलेक्ट करता है चीज़ों को, टेस्ट करता है, टच करता है, देखता है, साउंड करता है, स्मेल करता है, और इससे वो मालूमात इकट्ठी करता है। यानी मालूमात नहीं कहना चाहिए, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इससे वो क्लूज इकट्ठे करता है, इससे वो क्लूज इकट्ठे करता है। अच्छा, अब इन क्लूज को वो तरतीब देता है। जैसे मैंने देखा, दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बातें कर रहे थे, मुस्करा रहे थे, मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, तो मैंने उससे कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट की। उसके बाद मैंने उन चीज़ों को जब तरतीब लगाई कि मेरी सैलरी पहली है, इससे पहले जॉब हुई थी तब भी से मुझे पार्टी देना पड़ी थी, तो मैं इस सेंसेस को जब ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मुझे एक पिक्चर नज़र आती है, तस्वीर नज़र आती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू कैन से। सिलेक्शन के बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाती है? ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन के बाद क्या चीज़ आ जाती है? ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के बाद जब मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी की, तो अब मैंने इन्हें ज़रा तरतीब देना शुरू कर दिया। जब तरतीब दिया तो इसकी एक इंटरप्रिटेशन पैदा हो गई मेरे पास, जिसको मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ, या जिसको मैं जो है वो मीनिंगफुली बता सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ व्हाट यू कॉल के, ये सारी की सारी जब इकट्ठी हुई तो परसेप्शन बन गया। तो परसेप्शन की पहली स्टेज में क्लूज इकट्ठे हुए, दूसरे में उनकी तरतीब लगाई गई, और तीसरे में उनको हमने उनका रिजल्ट या उसका मीनिंग आखिज किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लूज एंड देन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन मीनिंग। जब हमने इन्हें प्लस किया तो वी गॉट अ पिक्चर, तो हमें एक पिक्चर जो है वो नुमाया तौर पे नज़र आ गई। इसको हम कह सकते हैं ये हमारा परसेप्शन है, या इसको हम कह सकते हैं व्हाट वी हैव परसीव, तो इसको हम परसेप्शन का नाम दे सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन से द डिफरेंस फ्रॉम द अदर, ये दूसरों से जो है हमारे लिए ज़रा मुख्तलिफ बात हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन हर इंसान ऐसे ही तरतीब देता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब देखते हैं तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये नई बात है, लेकिन आप देखिए, आपने हमेशा हर चीज़ के मतलब, आप घर जाते हैं, लोग डिनर हो रहा है, आप बैठती तो बातें नहीं ना शुरू कर देते। क्या होता है कि पहले आप बैठते हैं, देखते हैं क्या बात चल रही है, फिर आप अंदाजा करते हैं कि क्या मुझे इस बात में इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ यार, मुझे इस बात में ये लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो मीनिंगफुल बात है। तो आप इसको बाकायदा तौर पे एक तरतीब जो है बात की लगाना शुरू कर देते हैं, उससे आप कुछ बातों को आखस करने की कोशिश करते हैं, और फिर आप उसको जो है वो मीनिंगफुल वे में इंटरप्रेट कर देते हैं। तो लिहाजा ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं कि सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इंटरप्रिटेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम देख रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टेजेस ऑफ परसेप्शन प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन प्रोसेस। तो अब फिर हम आपसे राय लेते हैं, जनाब यहाँ तक कितनी बात समझ आई है? पहले सवाल आप देखते हैं, कोई सवाल तो नहीं आया हुआ जी? हमजा बेटे, बड़ी सिंपल सी बात है, हम इर्द गिर्द के हालात से कुछ क्लूज इकट्ठे करते हैं, उससे एक तस्वीर बनाते हैं अपने दिमाग में, वो जो तस्वीर बनाते हैं उसे हम परसेप्शन कहते हैं, ठीक होगी बात? अच्छा बच्चों, अब बाकी बच्चों की भी राय हो जाए जी, यहाँ तक समझ आ गई? तहसीब खान कह रहे हैं बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है हमें हारिस की राय नहीं आई, हसीब की राय नहीं आई, और सारा हाशमी की राय नहीं आई, उस्मान गनी की भी नहीं आई कि भाई वो भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे बात को। ऐसा तो नहीं कंप्यूटर ऑन करके खुद चाय वाय पीने लग जाते हैं जी? आजकल मछली का सीज़न है कि 2 पीस मछली के रखे हों, आराम से जब
कंप्यूटर ऑन कर लिया और ज्यादा तवज्जो जो है केचप और मछली की तरफ है, क्या ख्याल है बच्चों? तो ऐसा तो कहानी नहीं। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे बात हम कर रहे थे, सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर हम वही क्लूज इकट्ठे करते हैं, उनकी ज़रा तरतीब लगा लेते हैं, तरतीब लगाने से उनके मीनिंग निकल आते हैं। जैसे बहुत सारी बातें बेरब्त भी आ जाती हैं, ठीक है, हम बात सुन रहे हैं दोस्तों की, पीछे बच्चों का शोर आ गया, अब वो शोर जो है बेरब्त है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल देते हैं। इस तरह हम उनको तरतीब ऐसे देते हैं बातों को, क्लूज़ को इकट्ठा ऐसे करते हैं जिससे कोई मतलब निकल आए। जैसे आप किसी भी महफिल में जाते हैं तो फौरन ही पूछते हैं, अच्छा क्या बात हो रही है, पहले मुझे बताओ क्या बात हो रही है, ऐसा तो नहीं होता। आप वहाँ जाके बैठ जाते हैं, जो बातें हो रही होती हैं उनको सुनना शुरू कर देते हैं और उनकी तरतीब लगाते हैं, और तरतीब लगा के उनके मीनिंग निकाल लेते हैं। तो अंदाज़ा हो जाता है कि दोस्त क्या बात कर रहे हैं, या जब महफिल में लोग बैठे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये हुई थ्री स्टेजेस आपकी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ठीक हो गया, हसीब कह रहे हैं ठीक है हमजा, तीसरी स्टेज समझ आ गई बच्चे? तो ठीक है, तो हमजा भी कह रहा है कि ठीक समझ आ गई है, तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये हो गया जी परसेप्शन। अब एक बात याद रखनी कि परसेप्शन और सेंसेशन में फर्क होता है। सेंसेशन का काम ये है कि हर वक्त मालूमात ला के ब्रेन को देते रहना, हर वक्त मालूमात ला के ब्रेन को देते रहना, ये सेंसेशन का काम है। लेकिन परसेप्शुअल प्रोसेस बकायदा तौर पर एक अमल है जो हम कॉन्शियसली करते हैं, यानी हम जो है बकायदा तौर पे उस चीज़ के मालूमात को अगर तरतीब देते हैं तो परसेप्शन बन जाएगा, वरना सेंसेशन तो होती रहेगी। लेकिन सेंसेशन जो है वो हमें मालूमात ला के देती है, सेंसेशन हमें मालूमात ला के देती है। फाइव सेंसेस है, हमने पहले कहा था, वो है सुनना, देखना, बोलना और टेस्ट करना, ठीक है जी। सुनना, देखना, टच करना, ठीक है, स्मेल करना, तो ये टेस्ट करना, सॉरी, तो ये सारी हैं, आंखें हैं, कान हैं, नाक है, स्किन है, जुबान अल्लाह ने दी हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे क्या है, ये हमारी सेंसेशन है जो हमारे लिए रॉ डेटा लाती है। लिहाजा मामला सेंसेशन से आगे चलते हैं, मामला सेंसेशन से आगे चलते हैं। तो पहले सेंसेशन होती है और सेंसेशन से मामला जो है वो सेंसेशन से जो मामला है वो आगे की तरफ बढ़ता है, यानी पहला काम सेंसेस का सुनना, देखना, बोलना और परसेप्शन उसके बाद बनता है। तो फर्स्ट इज सेंसेशन, देन परसेप्शन। तो आई होप के बात पे आपको समझ आई होगी। अच्छा, तो सेंसेशन ये, अब जहां तक सवाल है आपका कि कुछ परसेप्शंस में प्रॉब्लम भी पाए जाते हैं जो एचआर में बड़े हॉट इश्यूज माने जाते हैं, तो परसेप्शन में कुछ प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं जो एचआर में बड़े हार्ट इशू पाए जाते हैं। दीज सेंसिंग पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर अवर हेड्स, जैसे सीडी में हेड्स होते हैं, सीडी रोम में, इस तरह रिसेप्टर्स आर हेड हु रिसीव द सिग्नल्स एंड गिव अस। सो दिस वी कॉल्ड रिसेप्टर, कान, आंखें, नाक, ये रिसेप्टर है, इन्हीं से हम टेस्ट करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है। तो जो अमल है उसे सूंघना, देखना कहते हैं, और जो इसमें ऑर्गन काम करते हैं उनको हम रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। अब जहां तक सवाल है हमारा कि कुछ थोड़े से परसेप्टिव प्रॉब्लम्स भी हम दुनिया में फेस करते हैं, मिसाल के तौर पे परसेप्शन प्रॉब्लम्स हम क्या फेस करते हैं। देखिए, दुनिया में एक परसेप्शन प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम कुछ चीज़ों को सिलेक्टिवली परसीव करते हैं। तो हम चलते हैं, एक एक करके बात करते हैं। देखिए, एचआर का एक मसला है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट ये होता है कि अगर किसी इंसान का जनरल इम्प्रेशन अबाउट एन इंडिविजुअल ऑन आइदर ऑन अ सिंगल आर फ्यू करेक्टरिस्टिक्स, अगर किसी इंसान के चंद एक करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर उसकी शख्सियत के बारे में राय दे दी जाए तो हम इसको हेलो इफेक्ट कहेंगे। बड़ी सिंपल सी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके जाते हैं
और इंटरव्यूअर ड्रेसिंग की बुनियाद पे समझ आपको एक टॉप क्लास कैंडिडेट डिक्लेयर कर देता है, तो हम इसको कहेंगे ये जो है ये स्टीरियोटाइपिंग है। टॉप क्लास कैंडिडेट डिक्लेयर कर देता है तो ये स्टीरियोटाइपिंग है। क्यों? क्योंकि देखिए सुली तौर पर होना ये नहीं चाहिए था, सुली तौर पर होना ये चाहिए था कि आपको उस कैंडिडेट के तमाम करेक्टरिस्टिक्स को देखना चाहिए था, लेकिन आपने चंद एक करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे फैसला कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह हमारे माशरे में क्या दुनिया भर में होता है, कहते हैं जी कि जो काले होते हैं ज्यूस नेग्रोस यानी हबशी, ये रूड होते हैं, ये रूड होते हैं। ठीक है जी, कहते हैं जी कि ये जो आप कह लीजिए कि मैन अच्छे एथलीट होते हैं, मैन अच्छे एथलीट होते हैं, तो ये सारी बातें ही स्टीरियोटाइपिंग है। औरत भी अच्छी एथलीट हो सकती है, काले रूप नहीं होते, खुश अखलाक भी होते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम जो है वो क्या कह सकते हैं, एक परसेप्शन में, सॉरी मैं मिक्स कर गया बात को, तो किसी एक परसेप्शन से आप कंक्लूड कर लें। अगर फर्ज कीजिए कैंडिडेट आता है और वो सिर्फ एक ही असाइनमेंट जमा कराता है और आप इस बुनियाद पे कह देते हैं कि ये बेस्ट कैंडिडेट है, तो इसको हम हालो इफेक्ट कह देते हैं। हम जरा थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट मिक्स कर गए थे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का और स्टीरियोटाइपिंग का, और इसका जरा थोड़ा मिक्स कर गए थे, लेकिन मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि हालो इफेक्ट का मतलब ये है कि एक करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर आप जो है वो किसी कैंडिडेट का पूरी राय कायम करें तो स्टीरियोटाइपिंग है। हाँ अलबत्ता अगर आप जो है वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल के मतलब एक राय कायम कर दें बावजूद इसके कि उसके अंदर जो भी फीचर पाए जाते हैं, तो हम इसको स्टीरियोटाइपिंग कहेंगे। जैसे कि मैंने मिसाल गलती से वहाँ दे दी थी, मिसाल ये है कि ब्लैक जो है वो रूड होते हैं, ठीक है जी, वाइट जो है वो वाइज होते हैं, तो ये जो सिचुएशन है इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टीरियोटाइपिंग है। तो दोनों में एक वाजह फ़र्क है, हालो इफेक्ट इज इफेक्ट इन विच यू सी के वी सी वन करेक्टरिस्टिक्स एंड मेक अ डिसीजन एज अ होल, और जो स्टीरियोटाइपिंग है इन दिस प्रॉब्लम हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि एक ग्रोथ जो है उसमें एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स काउंट कर लेते हैं। कि अगर मैं कहूँ कि जी सारे पंजाबी ओवर रिटेल होते हैं, ठीक है जी, और सारे जो अफगानियाँ बहादुर होते हैं, तो ये सारी जो मैं बात करूँगा ये स्टीरियोटाइपिंग होगी, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टीरियोटाइप। तीसरा मसला है सिलेक्टिव परसेप्शन का, लेकिन पहले ये क्लियर हो जाए कि ये दो बातें समझ आई हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा बच्चों, तो पहली बात ये होगी, हमने कहा कि हालो इफेक्ट ये है कि हम किसी भी शख्सियत का एक करेक्टरिस्टिक्स देखें और पूरी शख्सियत की राय कायम कर दें कि कोई अच्छा लिबास पहन के आया था, हमने कहा जी ये बड़ा टॉप क्लास कैंडिडेट है, जबकि हम उसका कैपेबिलिटी भी देखनी चाहिए थी, उसका राइटिंग पावर भी देखनी चाहिए थी, उसकी निगोशिएशन या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखनी चाहिए थी, और दूसरी तरफ हम किसी ग्रुप या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को कह देते हैं जैसे ब्लैक आर एरोगेंट्स, सिमिलरली वैसे वाइट आर वाइस, तो ये जो है ये स्टीरियोटाइपिंग होती है। और जैसे हमारे यहाँ भी बस स्टीरियोटाइपिंग्स होती हैं, तो हम अगर उनको कहें कि जी लाहौरी जिंदा दिल होते हैं, सारे लाहौरी तो जिंदा दिल नहीं होते, ये स्टीरियोटाइपिंग है। अच्छा बच्चों, एनीवे तो कुछ लोहड़ी सरियल भी हो सकते, मजाक कर रहे हैं आप, दिल पे ना ले लीजिएगा। अच्छे सारे फैसलाबाजी जुगतबाज होते हैं, तो सारे तो नहीं होते भी, अच्छे हर तरह अच्छे बड़े लोग हर जगह होते हैं, फ़नी और कॉमेडियन एंड पैरडी वाले लोग हर शहर में हो सकते हैं, ये भी लाजिम तो नहीं। अच्छा बच्चों, अब आ गया सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन ये है कि जब एक इंसान जो है वो सिर्फ बाकी की तमाम मालूमात को इग्नोर करे और सिर्फ वो मालूमात ले ले जो उसके व्यू पॉइंट से मैच करती है, यानी एक बंदा पर्टिकुलरली वो जो है ओपिनियन दे या वो उस चीज़ पे इत्तफाक करे जो कि उसकी ओपिनियन से मैच करती है और बाकी चीज़ों को वो इग्नोर कर दे, तो हम उसे कहेंगे ये उसका सिलेक्टिव परसेप्शन।
वी मे कॉल्ड इट दिस इज द सिलेक्टिव परसेप्शन। अच्छा जी, तो ये हमारे नजदीक सिलेक्टिव परसेप्शन कहलाता है। अच्छा बच्चों, अब दूसरी चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं कंट्रास्ट इफेक्ट। देखिए, जहां तक कंट्रास्ट इफेक्ट का ताल्लुक है, ये भी एक प्रॉब्लम अपनी जगह प्रिवेल करती है। होता यह कि जब हम लोगों में मुआजना करते हैं, तो अगर किसी ग्रुप में सारे ही लोग अच्छे हों, तो हम उसी के एतबार से उनको रिमार्क कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक ग्रुप में सारे कैंडिडेट अच्छे हैं, तो उन अच्छे कैंडिडेट में से जो थोड़ा सा बुरा होगा उसका नंबर कम आएगा। होना ही चाहिए कि हमें हर कैंडिडेट को एक मेरिट पे देखना चाहिए था, एक स्टैंडर्ड पे देखना चाहिए था, लेकिन हम चीज़ों का आपस में मुआजना शुरू कर देते हैं कि ज़्यादा मीठे सेब हो, एक फीका सेब आ जाए तो बुरा लगेगा, और ज़्यादा फीके सेबों में थोड़ा सा भी मीठा सेब आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह कैंडिडेट्स का हिसाब है, सारे कैंडिडेट्स बुरे थे, एक एवरेज अबव कैंडिडेट था वो टॉप पे चला गया, लेकिन जब सारे कैंडिडेट जो हैं वो एक्सीलेंट हो जाते हैं और एक कैंडिडेट ज़रा सा भी जो है वो फिट इन नहीं हो रहा या ज़रा सा भी आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम फील होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो फौरी तौर पे आइडेंटिफाई हो जाता है कि अच्छा यार, ये कैंडिडेट जो है ना, ये हमारे लिए सुटेबल नहीं। तो इस तरह से हमारे मामला जो है। अब जहाँ तक सवाल है हमारे पर्टिकुलरली जो आप बात करें, एक चीज़ आ जाती है प्रोजेक्शन। तो मैंने मिसाल कह दी थी, मिसाल पहले सुन लें कि तमाम कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, ऑल द कैंडिडेट्स आर एक्सीलेंट, सारे कैंडिडेट एक्सीलेंट है, उनमें एक कैंडिडेट लिटिल थोड़ा सा पुअर था, थोड़ा सा वीक था, तो उसके नंबर बहुत कम हो जाएंगे। जैसे मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, सारे पेपर अच्छे हों तो एक पेपर थोड़ा सा ख़राब हो तो हम उसके नंबर इतने ज़्यादा काट लेते हैं, सारे पेपर बुरे हों और उसमें एक पेपर थोड़ा सा अच्छा हो तो हम उसको आउटस्टैंडिंग डिक्लेयर कर देते हैं, है ना जी। तो इसी तरह यहाँ कंट्रास्ट इफेक्ट होता है। अब आगे आ जाती प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये होती है कि इंडिविजुअल बायस व्हेन एनी इंडिविजुअल एट्रीब्यूट देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अदर पीपल रादर देन परसीव देम ऑब्जेक्टिवली। अक्सर होता है इंसान अपने कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरों पे थोप देता है, बजाय इसके कि वो इंसानों को प्रोजेक्टेडली परसीव करे, बल्कि वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन पर इम्पोज करने शुरू कर देता है। तो हम इसको कह देते हैं ये क्या है, ये प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर वही प्रोजेक्ट अवर सेल्फ इंटू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर्स, हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर लेते हैं दूसरों के अंदर के जी, दूसरे इंसान जो हैं वो इस तरह के। तो जब ऐसी सूरत हाल में हम प्रोजेक्शन करते हैं तो डेफिनेटली इसके काफ़ी नुकसान होते हैं। तो हम इसको सबसे पहले तो यहाँ से चलते हैं, देखते हैं क्या बात हो रही है। अच्छा जी, तो हमजा, एक तो बात ये है बच्चे के चीज़ों को उतनी ही स्पीड से पढ़ाना होता है, कोर्स भी कवर करना होता है बेटा। अब सारे आपकी स्पीड से थोड़ी पढ़ सकते हैं, आप इसको ट्यूशन ना समझें, क्लास समझ के पढ़ें और क्लास की रिकॉर्डिंग कर लें, कोई डिवाइस साथ रख लें जिससे रिकॉर्ड हो जाए, बाद में नोट डाउन कर लें, पहले सुन लें फिर क्या हुआ है, तो इसको रिकॉर्डिंग भी इसकी आ जाती है, तो आप आराम से देख लें, ठीक है। तो रुतबा को हम रुतबा को हम कंट्रास्ट इफेक्ट दोबारा समझाते हैं। अच्छा भाई, रुतबा भाई, कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट इफेक्ट इज़ वेरी सिंपल कि सारे पेपर अच्छे हैं जी, मैं पेपर मार्क कर रहा हूँ जी, सारे पेपर अच्छे हैं जी, मैं पेपर मार्क कर रहा हूँ, एक पेपर थोड़ा सा पुअर आ गया, थोड़ा सा, तो इसके नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो हम मैंने आपस में मुआजना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि मैं इसको स्टैंडर्ड पे चेक करता कि जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो तो सारे कैंडिडेट अच्छे हो, एक कैंडिडेट थोड़ा सा बुरा हो तो आप उसे नंबर बहुत काट लेंगे, इस तरह सारे कैंडिडेट पुअर हो और उसमें एक कैंडिडेट थोड़ा सा एवरेज भी हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा नंबर दे देंगे। तो इसको कहते हैं
कि आपने कैंडिडेट्स का आपस में मुआजना शुरू कर दिया है बजाय इसके कि उसके स्टैंडर्ड पे चेक करें। ठीक हो गई बात। तो अब देखते हैं कि रुपा भाई क्या कहते हैं। जी रुपा, अब समझ रहा की बात? ठीक हो गई बात। अच्छा, पेपर में भी अक्सर ऐसा होता है कि थ्रेटिकल पेपर है, सारे पेपर अच्छे हैं, एक पेपर थोड़ा सा बुरा उसके नंबर कम हो जाएंगे, और अगर सारे पेपर बुरे और एक पेपर थोड़ा सा अच्छा है तो उसके नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बल्कि हम जब मैट्रिक ऐसे करते थे तो बहुत बच्चों का ये कहना था कि रेगुलर पढ़ने की बजाय प्राइवेट पढ़ने से नंबर ज़्यादा आते हैं। तो हम कहते थे वो क्यों? कहते प्राइवेट में सारे कैंडिडेट बोर होते हैं, उसके अंदर आपका पेपर थोड़ा सा भी अच्छा हो तो नंबर पर मिल जाते। शायद ठीक कहते थे, गलत कहते थे मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी बातें लोग करते थे। अच्छा बच्चों, लेकिन है हमारी प्रोफेशनल स्टडीज़ में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, या तो फिक्स स्टैंडर्ड है और अक्सर पेपर तो कंप्यूटर ने चेक करने, बंदे ने चेक ही नहीं करने, इससे बायसनेस का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा बच्चों, आगे आगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये है कि आप अपनी शख्सियत को दूसरे में देखना शुरू कर दें, अपनी शख्सियत को दूसरे में देख के प्रोजेक्शन शुरू कर दें। बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं, गौर से सुनना है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू लेते हुए आप देखते हैं कि एक इंटरव्यू देने वाला बिल्कुल आपकी तरह जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा हुआ है। यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह का है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा हुआ है। उसके बाद बिल्कुल उसने आपकी तरह जो है वो LSE से BSc की हुई इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी तरह वो ICMFE का मेम्बर भी है, ICMFE का मेम्बर भी है। तो आप कहते हैं यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, इससे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता। इसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं, अपने जैसे लोगों को अच्छा समझना, अपने दायरे के बड़े लोगों को अच्छा समझना। तो ये बायसनेस है, लेकिन ये बायसनेस किस बुनियाद पे? कि यू सी योर ओन करेक्टरिस्टिक्स इन द कैंडिडेट्स, इन द पीपल। तो हम इसको कहते हैं ये प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक हो गया बच्चों, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल? तो परसेप्शन को यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ, लेकिन इसको वाइंड अप करने से पहले आप लोगों की राय लेनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। जी बच्चों, ठीक हो गई बात। अच्छा बच्चों, तो मैं इसको यूँ कर देता हूँ कि हम इसको यहाँ से यूँ शुरू कर देते हैं कि जनाब बात यह है कि आज के लेक्चर में हमने परसेप्शन को पढ़ा, और परसेप्शन के बारे में हमने ये राय कायम की कि परसेप्शन जो है ये इंसान के जो सेंसेस हैं, जो उसके सेंसरी प्रोसेस हैं या जो उसके रिसेप्टर हैं, वो कुछ क्लूज उसे देते हैं। और वो किसी भी महफिल में जब बैठता है, किसी माहौल में बैठता है, तो वो किसी से पूछता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, बल्कि वो वहाँ जो बातें हो रही होती हैं, जो हालात चल रहे होते हैं, उनसे उन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके अंदाज़ा कर लेता है कि यहाँ क्या होता है। इस अंदाजे को हम परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन में इंसान के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल के तौर पर इंसान का परसेप्शन में मसला ये है कि इंसान अक्सर उकात जो है चंद एक करेक्टरिस्टिक्स को देख के किसी बंदे के मुतालिक राय कायम कर लेता है, और चंद एक करेक्टरिस्टिक्स को देख के जब वो बंदे के मुतालिक राय कायम करता है तो हम इसको कहते हैं ये उसका क्या है, ये उसका हालो इफेक्ट है। ये उसका चंद एक करेक्टरिस्टिक्स में जब राय कायम कर लेता है तो हम कहते हैं हालो इफेक्ट है। दूसरी चीज़ यह है कि इंसान जो है समझता है कि एक ग्रोह के लोग एक जैसे होंगे, जैसे सारे काले बदतमीज़ होंगे, सारे गोरे वाइज होंगे, सारे चाइनीज़ एक जैसे हैं, ये सारी बातें स्टीरियोटाइपिंग होती है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, सारी स्विस वॉचेस अच्छी होती हैं, सारी मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, तो ये सारी बातें स्टीरियोटाइप होती हैं। अच्छा, सेलेक्टिव परसेप्शन ये है कि हम बात को पूरा सुनते ही नहीं, जहाँ तक हमारी दिलचस्पी है सुनते हैं, बाकी बात को इग्नोर कर देते हैं। इसको हम सिलेक्टिव परसेप्शन का नाम देते हैं। कंट्रास्ट इफेक्ट ये होता है कि हम चीज़ों का आपस में मुआजना शुरू कर देते हैं, ना कि हम उसे किसी मियार पे चेक करें। इवन हम कैंडिडेट्स का आपस में मुआजना कर देते हैं, अच्छा इसी तरह हम पेपर्स का आपस में मुआजना कर देते हैं, जबकि हमें मुआजना नहीं करना होता, हमें तो कंपैरिजन नहीं करना होता, बल्कि हमें तो एक स्टैंडर्ड को चेक करना होता है। और इसी तरह हम प्रोजेक्शन करते हैं, जो अपनी शख्सियत के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरों में देखते हैं, और जब हमें वो नज़र आते हैं तो हम उन्हें बेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, तो इसको हम परसेप्शन कहते हैं। लेकिन चूंकि आगे चलने से पहले मुझे इसको रिवाइज करना ज़रूरी था, अब अगली बात आ जाती है एटीट्यूड। देखिए, जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आपके जहन में ये होनी चाहिए कि एटीट्यूड है क्या। देखिए, एटीट्यूड जो है वो एक बिहेवियर टेंडेंसी है, ठीक है जी, परसिस्टेंट फीलिंग है टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर टूवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, इवन अ पर्सन।
किसी ग्रुप के मतलब किसी इंसान के मतलब आप एक रवैया तय कर लेते हैं तो उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। देखिए इस बात को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। सबसे पहले जैसे मिनट बच्चों मैं जरा पानी लेके आता हूँ। अच्छा बच्चों जरा बड़े ध्यान से सुनना है आपने। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल रियल वाकया है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए बड़ी स्टोरीज भी सुननी चाहिए, इससे बड़ी बातें लर्न होती हैं। तो देखिए टीचर आपको बड़ी मजे की बात बताने वाला है। वो क्या, चंद दिन पहले की बात है, मेरे घर के पास एक साहब आके रहना शुरू हो गए। वो मियाँ बीवी थे, उनके बच्चे भी थे दो। तो ऐसा ऐसा उनसे हमारी दोस्ती हो गई, बड़ी गपशप होना शुरू हो गई। तो अक्सर हम इकट्ठे चाय पीते थे शाम को, गपशप भी करते थे। हाँ जी, अच्छा अब क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोड़े दिनों बाद जो है वो ये बात चली कि उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि चले हम मिलकर कारोबार। तो मैंने कहा अच्छी बात। बेगम मेरी ने कहा कि जी आप भी कभी, आपने कारोबार किया नहीं, चले आप नौकरी करते रहते हैं तो चले एक बिजनेस भी हो जाए। तो हम बड़े खुश हुए कि चलो यार एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गई। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गई है। अब इसमें सिचुएशन ये है कि मैं तैयार हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए किसी के मतलब राय कैसे कायम होती है, बड़ी मजे की बात। कुछ दिन बाद उनके घर से लड़ाई की आवाज आई। असूली तौर पर हमें उनके घर की लड़ाई नहीं सुननी चाहिए थी, लेकिन मैंने चूँकि रोज़मर्रा का सामना था, देखा कि शोहर ने बीवी को पीटा और उसकी आंख जख्मी की हुई थी। मैंने एटीट्यूड बन गया, राय बन गई। मैंने कहा यार ये आदमी ठीक नहीं है, ये जो बंदा अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा नहीं है वो बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा कैसे हो सकता है। तो ये क्या बन गया, मेरा एटीट्यूड बन गया, ये मेरी तयशुदा राय बन गई। तो तयशुदा राय या तयशुदा बिहेवियर किसी बंदे के मतलब हो, किसी ग्रुप के मतलब हो, तो हम इसको एटीट्यूड का नाम देते हैं। तो देखिए एटीट्यूड मींस अ टेंडेंसी इन एन इंडिविजुअल टू परसिस्टेंटली फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। तो ये टेंडेंसी एक फीलिंग भी है, मेरी फीलिंग उसके मतलब बहुत बुरी है और पर्टिकुलर वे में मैं उसको मैनर में मैं उसके साथ बिहेव करता हूँ और मैं उसको बिल्कुल अब जो है लिफ्ट नहीं कराता। तो ये मेरा उसके मतलब एटीट्यूड है। तो पहली बात तो ये कि क्या आपको, अच्छा ये एटीट्यूड सिर्फ बंदे के मतलब नहीं हो सकता, किसी कॉन्सेप्ट के मतलब भी हो सकता है। जैसे बाद बच्चे कहते हैं जी मैं पूछता हूँ बच्चों आप मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ते, तो बच्चे कहते हैं नहीं सर हमारा एटीट्यूड नहीं है। हम कहते हैं अच्छा बच्चों स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं पढ़ते, कहते सर हमारा एटीट्यूड नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये किसी के मतलब राय कायम कर लेना, ये क्या है, ये एटीट्यूड है कि अच्छा इंसान है बुरा इंसान है और फिर उसी तरह उसके साथ बिहेव करना। तो नहीं देखिए ये एक एक्ट नहीं है, इस क्या बात कर रहे हैं आप, ये एक एक्ट है, यानी बीवी को पीटना एक एक्ट है,
बीवी को पीटना तो पूरी शख्सियत सामने ले आता है। देखिए आप हमजा, आप इसको एक एक्ट कहते हैं, देखिए ये तो इंसान का किरदार सामने रख देता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ इतना बुरा सलूक कर रहा है तो बिजनेस पार्टनर के साथ क्या करे, एक बात। दूसरी बात है ये उस शख्स की जात की कमजोरी है, जो मर्द बीवी को पीटता वो तो अखलाकी तौर पर इस काबिल नहीं कि मुआशरे में रहे तो हम उसके साथ कारोबार करें, ये भी बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि बीवी को पीटने वाला शख्स में फैसले की ताकत नहीं होती, वो कमज़ोर होता है अंदर से, इसलिए तो उसको पीट रहा है, वरना आर्गूमेंट करता, बहस करता, बात करता, बात से लेता, समझे ना बात, तो उसकी शख्सियत कमज़ोर है ना बेटे। तो आप इसको एक नहीं कह सकते, ये हालो इफेक्ट नहीं है, ये तो पूरी शख्सियत ही सामने ले आया। यानी एक शख्स बेईमानी करता हुआ पकड़ा गया और आप कहेंगे एक करेक्टरिस्टिक्स है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, क्या ख्याल है बच्चे? तो इसलिए आइंदा आपने ऐसे नहीं सोचना, आपको मुआशरे का जिम्मेदार शहरी बनना है तो इस तरह की बातें नहीं करते, इससे तो साफ बात सामने आ जाती है, क्या ख्याल। और दूसरी बात यह है, याद रखें एक चीज और भी इससे सामने आती है, जो इंसान अपनी निजी जिंदगी को बर्बाद कर दे और उसमें कामयाब ना हो, वो कारोबार में भी कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वही शख्स कामयाब हो सकता है जो अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल है। लिहाजा मेरे नज़दीक ये कामयाबी बहुत ज़रूरी थी उसकी, जिसको उसने बर्बाद किया। तो चले, बहरहाल हमें आपस में इस पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, मैं आपका टीचर हूँ। चले आपने गलती की तो मैंने आपको माफ़ कर दिया खुले दिल से, ठीक होगी बात, अच्छा। लेकिन अगर आप कभी मेरी क्लास में होते, होए 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 शतूत की सोटी और उसाका की टेप चढ़ा के जो आपको तोनी पड़नी थी, अच्छा नहीं यार मजाक कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल स्टडी है, इसमें कहाँ तोनी पड़ती। अच्छा बच्चों, अब बात यह आ गई कि हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एटीट्यूड तो समझ आया ना, तो एटीट्यूड सिर्फ इंसान के मुतलिक नहीं हो सकता, मैथमेटिक्स के मुतलिक हो सकता है, किसी पोलिटिकल पार्टी के मुतलिक हो सकता है कि जो डेमोक्रेटिक है वो कहते हैं कि जनाब ये जो रिपब्लिकन है ये पागल है, और जो रिपब्लिकन है ये कहते हैं डेमोक्रेटिक है, बेवकूफ लोग हैं, इनको पता ही कुछ नहीं। लिहाजा ये पॉलिटिकल पार्टीज में भी हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, और इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है ना। इसी तरह ये एटीट्यूड जो है वो किसी बिजनेस में किसी डिपार्टमेंट के मुतलिक हो सकता है कि जनाब ये डिपार्टमेंट ही ख़राब है, ये हमें मालूम ही सही नहीं देता, इनके मालूम गलत देने की वजह से या टाइम पर ना देने की वजह से हमारी सक्सेस क्रिटिकल हो जाती है, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हो गया। अब सबसे पहली बात तो ये कि आप ईमानदारी से बता दीजिए कि एटीट्यूड की डेफिनेशन समझ आ गई है, ताकि मैं तमाशा आगे चल सकूं। जी बच्चों, तो मासूम बच्चे बता रहे हैं मुझे कि उन्हें समझ है, यार तूने तो बिस्ती करके रख दी है, उन्हें नहीं समझ नहीं, मुझे अल्लाह पूछे। अच्छा, तो बात मैं ये कर रहा था बेटा कि एटीट्यूड ये है कि किसी चीज़ के मतलब हम राय कायम कर लें और रवैया बना लें कि हमने इसके साथ इस तरह से डील करना है, इसे हम एटीट्यूड कहते हैं। अब बताओ बात समझ आई है? अगर हम किसी चीज़ के मतलब राय कायम कर लें और ये कह दें कि हम इस बंदे के साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे तो इसे हम एटीट्यूड कहेंगे, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब एक बच्चे का सवाल है, कहता है कि एटीट्यूड और परसेप्शन में फ़र्क क्या है। देखो ये बच्चा जब भी कोई बात होती है नहीं, इसका एक ही काम है कराची और लाहौर का फ़र्क बताएं। अच्छा जी, फैसलाबाद और नारोवाल को, ओ भाई मेरे हर चीज़ का फ़र्क क्यों पूछता है मेरे से, है चल मैं बता देता हूँ। देखो परसेप्शन होता है टेम्परेरी फिनोमेना, दोस्त बैठे क्या बात चल रही है अंदाज़ा लगाया, ये परसेप्शन है। लेकिन दोस्त के मतलब राय कायम कर ली कि ये दोस्त बड़ा सिंसियर आदमी, यार ये मेरा बड़ा ख्याल रखता है, ये एटीट्यूड है। यानी परमानेंट राय कायम कर लेना और ये तय कर लेना कि मैंने इस बंदे के साथ कैसे चलना है, इस सब्जेक्ट के साथ कैसे चलना है, इस मैटर के साथ कैसे चलना है, ये एटीट्यूड है। और वक्ती तौर पे यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये परसेप्शन है, ठीक है। तो परसेप्शन बदला जा सकता है, यानी आप ये कह सकते हो, मैं आप बताता हूँ। देखिए पहली बात तो ये कि क्या आपको परसेप्शन और एटीट्यूड का फर्क समझ आया? जी जी बच्चे, फर्क समझ आया बेटा? ठीक हो गया। अच्छा, अब जरूरी बात, बड़ी जरूरी बात जिससे अब बात और पक्की होने वाली है आपकी, ऐसे हो जाएगी जैसे पत्थर पे लिखी है। देखो परसेप्शन होता वक्ती, बदला जा सकता है, तो परसेप्शन सबसे टेम्परेरी है,
लेकिन परसेप्शन बार बार गलत आता रहे तो एटीट्यूड बन सकता है और एटीट्यूड पुख्ता होता है, इसको बदलना मुमकिन नहीं है, सॉरी मुश्किल है, क्या है? मुश्किल है, ठीक है जी। और उससे मुश्किल जो चीज बदलनी है वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बनती है, आपकी उम्र इस 25 साल है अगर, तो आपकी पर्सनैलिटी 25 साल में बनी है, इसको मैं तब्दील नहीं कर सकता, पिछले 25 साल के हालातों वाकयात में बदल नहीं सकता आपके। लेकिन एटीट्यूड दो तीन परसेप्शन से बन जाता है, एक दो तीन परसेप्शन से बन जाता है, इससे हम इसको क्या कहते हैं, ये एटीट्यूड, ठीक है जी। और परसेप्शन जो है वो काफ़ी हद तक टेम्परेरी भी हो सकता है और वो ज़्यादा पुख्ता नहीं होता, जल्दी बदल जाता है, ठीक है जी। तो इसको हम, लेकिन हाँ बता, बार बार एक जैसा परसेप्शन मिलता रहे तो उससे भी एटीट्यूड बन जाएगा, ठीक है जी। कि मिसाल के तौर पे ऑफिस में प्रिंटर टूटा है, तो प्रिंटर टूटा गिर के और पास आप खड़े थे, और आप पास खड़े थे, बॉस को शक पड़ गया कि यार इसने केयर नहीं की, शायद इसने ठुडा मार दिया। दूसरी दफा अचानक फायर अलार्म बोल गया, लेकिन आपके हाथ में सिगरेट था, बॉस को शक हो गया कि यार ये बंदा बड़ा केयरलेस है, ठीक है जी। तीसरी दफा जनाब जो है इनवॉइसेस गुम गई, इनवॉइसेस की फाइल आपको दी थी, अब बॉस ने 3 दफा देखा, एक दफा प्रिंटर के मामले में, एक दफा स्मोक डिटेक्टर के चल जाने के चक्कर में, एक दफा इनवॉइसेस गुम गई। अब एटीट्यूड बन जाएगा कि तुफैल भाई जो है ना ये इरेस्पॉन्सिबल आदमी है, और इरेस्पॉन्सिबल होने की वजह से आपको जो है वो अच्छे अंदाज से बुलाया नहीं जाएगा, या अच्छे अंदाज से आपके साथ डील नहीं किया जाएगा। तो ये है भाई जो सारी बात है, ठीक हो गया जी बिल्कुल। सवाल ये है कि परसेप्शन कैसे बनता है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। सॉरी एटीट्यूड, सॉरी एटीट्यूड तो मैंने बता, परसेप्शन तो मैंने बता दिया, अब एटीट्यूड का भी तो पता चले ना, एटीट्यूड कैसे बनता है। देखिए एटीट्यूड बनता है 3 स्टेजेस से। पहली स्टेज में हमें किसी चीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं एक दिन जियोग्राफिक चैनल देख रहा था, जियोग्राफिक चैनल जो है वो मैं देख रहा था बच्चों, तो मैंने उसको सुना कि जनाब जो क्रोकोडाइल है ये बड़े खतरनाक है, डेंजरस। जियोग्राफिक चैनल से मुझे पता चला, तो मेरा कॉग्निटिव प्रोसेस में कुछ मालूम आना शुरू हुई, मेरे दिमाग में कुछ मालूम आना शुरू हुई कि जो अगरमच्छ है, सॉरी जो मगरमच्छ है, ये खासा बड़ा खतरा है हमारे लिए। फिर क्या हुआ जी कि मैं उस पर गौर करने लग गया, आहिस्ता आहिस्ता मेरी फीलिंग्स और इमोशंस उसके मुतालिक नेगेटिव होना शुरू हो। मैंने कहा यार ये तो बड़ा खतरा है, तो जंगल में जाएंगे तो बच के रहना इससे हमने। अच्छा जी, तो फिर उस फीलिंग के बाद मैंने एक नतीजा हास किया कि मैं मगरमच्छ से डरता हूँ, बट दे आर पार्ट ऑफ नेचुरल सिस्टम, कि ये मैं इनसे डरता हूँ भले, लेकिन ये नेचुरल सिस्टम का हिस्सा है। इसका मतलब पहले मालूमात मिलती है, फिर राय कायम होती है, ठीक है जी। तो पहले मालूमात, नॉलेज, कॉग्निटिव प्रोसेस, फिर ओपिनियन कायम हो जाना, इमोशंस कायम हो जाना, और फिर अफेक्टिव कंपोनेंट बन जाना, ये है आपका दूसरा स्टेज, जिसको आप कह सकते हैं ये आपका जो है वो इनिट नेचुरल फीलिंग। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं बिहेवियर कंपोनेंट। जो बिहेवियर कंपोनेंट है वो ये है जनाब के इसके बाद आप एक राय कायम कर लेते हैं कि जिस हद तक हो सके आप क्रोकोडाइल से अवॉइड करेंगे, और मैंने तय कर लिया कि बिहेवियर तय कर लिया कि अगर मैं जंगल में क्या और मुझे मगरमच्छ नजर आया तो भाई मैंने भाग जाना है, मैंने भाग जाना। तो लिहाजा व्हेन एवर आई सी द क्रोकोडाइल आई विल रन। सो ये 3 स्टेजेस जो है ये मेरा क्या बना देंगी, एटीट्यूड बना देंगी, ठीक हो गई बात बच्चों।
तो ये बन गया जी मेरा एटीट्यूड। आई होप सो फार कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा तो अब जरा रिपीट कीजिए जी आप मेरे साथ साथ। पहली बात क्या है कि आप सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उसको दिमाग में रखते हैं, उससे आपकी फीलिंग और इमोशंस अलाइव होते हैं कि ये चीज खतरनाक है, इससे बचना चाहिए, और फिर आप बिहेवियर भी तय कर लेते हैं कि अगर ये चीज मेरे सामने आई तो मैं भाग। तो दिस इज व्हाट यू कैन से द एटीट्यूड। जी बिल्कुल। तो अब ये क्लियर हो गया जी एटीट्यूड क्या चीज है और इसके कंपोनेंट भी क्लियर हो गए। अब राय नहीं आ रही आप लोगों की, देख लो फिर कहीं चाय वाय भी नहीं चले हो आप लोग कंप्यूटर ऑन करके, चेक करनी पड़ेगी और नाम पुकारने पड़ेंगे कि ये बंदा राय नहीं दे रहा है, ताकि एडमिन साहब को भी पता चले कि देखें यार क्लास में कैसे सोए सोए बच्चे आए, यार मुस्तफा है, हसीब है, नुमान है, रुतबा है, रुतबा तो हर बोलता रहता है, और सारा हाशमी और उस्मान, तो ये बच्चे जाएंगे कुछ आज बोल नहीं रहे थे। अच्छा तो मुस्तफा कह रहे गॉट इट, मोहम्मद अजीब कह रहे क्लियर है सर, ठीक है जी, तो चले हम मान लेते हैं आपको ये क्लियर है, ठीक होगी जी बात। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एटीट्यूड क्या होता है। एक मिनट ये सारा लिख के जरा इसको सही कर ले। अच्छा अब चलते हैं हम अपने जो है वो नेक्स्ट एटीट्यूड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एटीट्यूड है जिस पे हम बात कर रहे थे या नेक्स्ट हमारा जो इसको राय है वो है बच्चों जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन भी तो एक ऑब्वियसली यू कैन से एटीट्यूड है कि एक बंदा जो है वो अपनी जॉब से मुतमिन है और वो कोई दूसरी जॉब ढूंढ नहीं रहा। तो हम ये कहते हैं कि इंसान की एक इमोशनल फीलिंग कि जॉब मेरी बहुत अच्छी है, यानी अ पर्सन इज कंटेंट विद हिज जॉब एंड नॉट सर्चिंग एनी अदर जॉब, कि एक इंसान अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है और वो कोई दूसरी जॉब नहीं ढूंढ रहा, तो हम इसे कहेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन। लेकिन आप इसको यूं ले लो कि इसको आप एक सिंबल समझो, जैसे मैथमेटिक्स का सिंबल। अगर मैथमेटिक्स का कोई सिंबल मैं आपको पढ़ाऊं तो वो सिंबल नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है। इट कैन कंटेन नेगेटिव वैल्यू, इट कैन कंटेन पॉजिटिव वैल्यू। सो इट कैन कंटेन नेगेटिव वैल्यू, इट कैन कंटेन पॉजिटिव वैल्यू। तो ये नेगेटिव वैल्यू भी लेता है और पॉजिटिव वैल्यू भी लेता है, दोनों वैल्यू ले सकता है। तो हम इसे कहेंगे कि ये है हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जहां तक सवाल है हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि जनाब जो हमारा जॉब के सिंबल्स है हमारे जो मामलात है हमारे, हमने उसे जो है वो कैसे चलाना है। तो आप ये कह सकते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन इंसान की फीलिंग है, फीलिंग अबाउट जॉब कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। यानी ये फीलिंग है जॉब की जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैं कहूँ जी एक्स इज इक्वल टू 5 एंड एक्स कैन बी इक्वल टू नेगेटिव 5, तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी तरह जॉब सेटिस्फेक्शन भी, जेएस इक्वल्स टू पॉजिटिव 10 एंड जेएस इक्वल्स टू नेगेटिव 10, तो दोनों चीजें हो सकती है, फिर ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लिहाजा दोनों चीजें ही हमारे साथ साथ चलती हैं कि नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो दिस इज व्हाट यू कैन से कि बहुत चीजें ही साथ चलती हैं और दोनों चीजें जो है हमारे लिए जो है वो कंसिडरेबल है, तो लिहाजा हम दोनों चीजों को लेकर चलते हैं। तो ये चीज आ जाती है, इसको हम कहते हैं दिस इज व्हाट वी कैन से द जॉब सेटिस्फेक्शन। तो हम जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं और जारी रखते हैं बात को। सबसे पहली बात ये है पर्सन इज इमोशनली, एक बंदे की इमोशनल फीलिंग्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यानी
is a feeling of pain and pleasure. Pain or pleasure. This is what we call the job satisfaction. तो इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. ठीक है जी. देखिए मेरी बात सुनिए रूपा भाई. बात यह है कि मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ. इस मामले में होता यह है कि हमने तीन बातें डिस्कस की. परसेप्शन को लेकर मैंने डिस्कस किया, फिर पूछा कि आपको समझ आया है, आपने कहा ठीक है. फिर आपसे बात हुई, एटीट्यूड पढ़ाया आपको, पूछा समझ आया, आपने कहा आया है. अभी हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं. तो आप जब एक टॉपिक को समझ लेते हैं, परसीव कर लेते हैं, तो देन आई डोंट थिंक मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए ब्रेन इंसान का इस तरह का होता है, इसका हर खाना दूसरे से अलहदा होता है. ऐसे अगर इंसान की कोई चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं तो या तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जाहिर बात है दिमाग में प्रॉब्लम है आप, तो या फिर ये है कि आप उस मेच्योरिटी लेवल पर नहीं है कि एक बात को समझ के ग्रेजुएशन लेवल पे या एक प्रोफेशनल लेवल पे आप एक बात को परसीव करके कहें कि ये मिक्स हो गया. तो ये बातें जो है ना, ये आप उस उम्र की नहीं है बेटा. प्लीज आप 5वीं क्लास में नहीं पढ़ते कि आप ये बातें करें, वेल नॉट लुक लाइक है. तो मैं आपको बहुत मेच्योर स्टूडेंट समझता हूँ, तो मुझे आपसे ये तो नहीं है ये बात. ठीक है. सो हमें ये नहीं करना, थिंग्स आर मिक्स्ड अप. हाउ दे कर मिक्स्ड अप, एक एक चीज पूछ के आपसे, आपको जहाँ आप कहते हैं आगे चले वहाँ हम आगे चल रहे, तो फिर आपके लिए ये तो मिक्स हो गया था, तो मिक्स हो गया बेटा, तो फिर आप कुछ करें. ठीक है. तो ये नहीं, दैट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर. आप कहेंगे जी मुझे रोजाना सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ाया करें, इससे ज्यादा ना पढ़ाया करें, तो इट्स नॉट फेयर. मैं यहाँ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाने आया हूँ, तो मैं कोई स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाया, दूनी दूनी कराता हूँ. सो कम अज कम दो तीन कॉन्सेप्ट की कैपेसिटी रखें, और दो तीन कॉन्सेप्ट जब परसीव हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, आप हाँ कर रहे हैं, तो फिर कैसे मिक्स हो गया. अभी तो बात ही नहीं हुई, मिक्स कैसे हो गया बेटा. तो आई डोंट थिंक ये जो आपकी जो फीलिंग है, आई एम रियली हर्ट टू दिस, मुझे बड़ा अफसोस लगा. अच्छा बच्चों, तो बाद हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे कि जॉब सेटिस्फेक्शन एक फीलिंग है जिसके अंदर अगर इंसान अपनी जॉब से मुतमिन है तो ये पॉजिटिव होगी, और अगर गैर मुतमिन है तो ये नेगेटिव. अच्छा अब सवाल ये है कि लोग सेटिस्फाइड वर्कर्स को क्यों चूज करते हैं, या फी जमाना लोगों को सेटिस्फाइड वर्कर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई पीपल नीड सेटिस्फाइड वर्कर्स. तो ये सेटिस्फाइड वर्कर्स की जरूरत इसलिए पड़ती है बच्चों के, पहली बात तो ये है कि सेटिस्फाइड वर्कर जो है वो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा दोस्ताना माहौल बनाते हैं, सुपरवाइजर्स को खुश रखते हैं, अपनी फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा मेंटेन करते हैं, और वो काम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, टाइम सेव करते हैं. दूसरी तरफ जो सेटिस्फाइड वर्कर होते हैं ये अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, ये हमेशा जो है इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते हैं, काउंसलिंग में बड़े अच्छे होते हैं, ये टीम स्पिरिट के अतबार से बड़े अच्छे होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मेहनत से अपनी प्रोडक्टिविटी से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाते हैं, ये उसकी जो रेपो है उसे इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, और ये एम्प्लॉयज जो है रिटेन करने की कोशिश करते हैं. इस लिहाज से देखा जाए तो दीज आर वेरी वर्केबल एंड हार्ड वर्किंग पीपल. दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करते हैं न्यू कैंडिडेट्स को, इम्पैक्ट करते हैं, फिर ये सप्लायर की अच्छी के सामने अच्छी रिप्यूट कायम करते हैं. इसी तरह ये जो है आपके लिए रिप्यूटेड फंड्स को अट्रैक्ट करते हैं और रिप्यूटेड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. यानी अगर अगर देखें कि आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं तो वो हमेशा बाहर जाके लोगों से ये कहेंगे कि हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के माहौल से बड़े मुतमिन हैं, जिससे हमेशा यूनिवर्सिटीज़ के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं न्यू कैंडिडेट वो आपकी तरफ आएंगे कि यार हमने भी यहाँ जॉब करनी. इसी तरह अगर
जो अच्छे वेल रिप्यूटेड सप्लायर हैं वो भी रिप्यूट को देखते हुए आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। इसी तरह जो है फंड्स प्रोवाइडर या बैंकर्स भी जो है वो भी आपके साथ ही बिजनेस करना चाहेंगे, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज अच्छे हैं और वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और जो आपके कस्टमर्स हैं क्योंकि उन्हें भी आपका एम्प्लॉयज अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो भी आपके साथ ही बिजनेस करना चाहेंगे कि ठीक है यार यहाँ से हमें अच्छी सर्विसेज मिल रही है तो हम यहीं से अच्छा कारोबार जो है वो कर रहे हैं। तो इस तरह ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो बेहतर हो जाती है। तो ये वो चीजें हैं बच्चों जो कि काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रूव करती है। तो बहरहाल जॉब सेटिस्फेक्शन पे भी हम बात को जारी रखते हैं, आज हमारे पास खत्म हो गया। आज के लेक्चर में हम ये कह देते हैं कि आज के लेक्चर में हमने बात की परसेप्शन के बारे में। तो परसेप्शन के बारे में हमने ये कहा कि इंसान अपने सेंसरी प्रोसेस से, देखने से, सूंघने से, टेस्ट करने से, टच करने से, चीज़ों को हाथ लगाने से एक पिक्चर बनाता है, उसे हम परसेप्शन का नाम देते हैं। लेकिन किसी चीज़ के मुतलिक अपनी सॉलिड ओपिनियन कायम करता है, राय कायम करता है कि मैंने किसी चीज़ को बारे में या किसी चीज़ किसी बंदे को किसी प्रोडक्ट को रिस्पॉन्स क्या करना है, इसे हम एटीट्यूड का नाम देते हैं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन के बारे में मैं बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बात मुकम्मल ही नहीं हो सकी, लिहाजा इस बात को हम अपने अगले लेक्चर में ले जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे आज के लेक्चर के मुतलिक आप लोगों की राय क्या है। जी शाबाश, हादी है, हमजा है हमारे साथ, और फिर जो है हमारे साथ जो है नुमान सलीम है, सारा हाशमी है उसमें, और नुमा मुस्तफ़ा है। तो देखते हैं कि बच्चे आज के लेक्चर के बारे में क्या राय है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ठीक है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ बेटे कि यही सी सारी बात क्लियर हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि मोहम्मद हसीब ये कह रहे हैं कि अमेजिंग लेक्चर रहा, और स्लाइड शेयर करने की जरूर करेंगे, स्लाइड शेयर अच्छा रहा हमजा इकबाल के मुताबिक। तो वे ट्राई आवर लेवल बेस्ट के मैं आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छा समझा सकूँ जितनी भी मेरी एफर्ट है। तो आई होप कि आप इसको मेहनत को जारी रखेंगे। चीज़ें आसान होती हैं, मुश्किल नहीं होती अगर इंसान इसको सही वे में परसीव करे। और दूसरी बात यह है कि अगर एक इंसान चीज़ों को समझते हुए एक समझ लेगी, चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो फिर तो हर चीज़ ही मिक्स हो जाएगी। अगर एक बंदा बाल भी खेल के बैठ जाए तो उसे समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एक इंसान हिम्मत तो करे आपके साथ तो चले तो समझाना थोड़ा आसान है। तो आई होप सो फार कि अगर हम सारे मिलकर कोशिश करें तो हम उसको कर सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि आप रेगुलर आते हैं क्लास में, और मैंने देखा आपका पार्टिसिपेशन अच्छा है, और इसी जज्बे के साथ अगर आप काम करेंगे तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि आप इस पेपर को इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाएंगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शायद आप में इसको बच्चा मेरिट सर्टिफिकेट भी ले लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफिज़।